उद्घाटन के लिए। तो इस अभी जो 12 ब्लॉक हैं और 5 क्लस्टर जो कि बाड़मेर लोकल से हैं, तो सभी लोग की टीमें यहां पे आ गई हैं और इनके मैचेस अगले 5 दिन तक चलेंगे। सबके जो बाहर से आने वाले जो गेस्ट हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई है और गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग से है। खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, उसमें जो दिन का खाना वो यहीं पे बन भी रहा है और फ्रेश फूड भी इनको हम खाना प्रोवाइड करेंगे। चिकित्सा की व्यवस्था रखी गई है, पीने के पानी की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी जो अलग अलग जगह से आए हैं या जो हमारे बाड़मेर ज़िले के जो लोग हैं उन सबको हम बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें और एक अच्छे माहौल में जो पर्पज़ है सरकार का उसके अनुसार इस कार्यक्रम को हम संपादित कर सकें। आपने अभी देखा होगा जिला स्तरीय राजीव गांधी ये जो ओलंपिक खेल है शहरी चाहे ग्रामीण, उनका आज शुभारंभ हुआ। बच्चों ने शपथ भी ली, नौजवानों में जोश है और राजस्थान सरकार की मंशा है कि हम किस तरह से हमारा राजस्थान स्वस्थ रहे, हमारा राजस्थान हिट रहे, राजस्थान फिट रहे, निरोगा रहे। इसके लिए खेल का खेलना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में राजस्थान में जो शुरुआत की है कि निरोगा राजस्थान, इसके लिए हमारे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सब खेल खेलें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उसके साथ सरकार भी यही करें। स्वस्थ रखने के लिए कई योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो चाहे ये खेल की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान फिट रहे, राजस्थान के नौजवान आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े, संस्कारों में आगे बढ़े। अब स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, इस शानदार योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश कैसे आगे बढ़े, हमारे नौजवान कैसे शिक्षा में खेलों में कैसे आगे बढ़े, ये मुख्यमंत्री जी की सोच है और उसी सोच के अनुसार आप अभी देख रहे हैं नौजवानों में जोश है, शानदार खेल आज जिला लेवल पे शुरुआत हो रही है और फिर राज्य स्तर पे जाएंगे। सर, इसमें जो खिलाड़ी हैं उन स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीण लोग भी हैं, वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं वोटों में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। देखो, ये सोच तो खाली राजनीतिक बात कर रहे हैं, इन वोटों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जितनी भी योजना, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं। आप देखिए, आज लाइट फ्री है तो सबके लिए है, नहीं इसमें कांग्रेस बीजेपी क्या, इलाज 25 लाख का फ्री है उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी है क्या, पेंशन है सबके लिए उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी है क्या, कैश फ्री दे रहे हैं क्या उसमें कांग्रेस बीजेपी है क्या। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो वो कर रहे हैं जो इन्होंने बहिष्कार किया इन कैंपों का। कितना शानदार योजना है, कितनी सरकार ने पानी बिजली शिक्षा चिकित्सा और जिले बनाना, चाहे तहसीलें बनाना, पंचायत समिति बनाना, अस्पताल खोलना, राजस्थान का ऐतिहासिक बजट 30 साल पिछले जितना काम नहीं हुआ इतना 5 सालों में हुआ, वो बौखलाई हुई राजनीति की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े। मुख्यमंत्री का एक ही विजन है 2030 में तक प्रदेश हमारा पूरे भारत के अंदर राजस्थान आगे कैसे बढ़े, हमारे नौजवान आगे कैसे बढ़े, हमारे सारे प्रदेश के वासी खुशहाल कैसे हो, कोई समस्या नहीं रही, इसी विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़े। थैंक यू सर।